You're watching Cooksmart with Sanjeev Kapoor और अब बारी आती है एक पेस्टो सॉस बनाने की जिसमें ना बेजिल है ना पाइन नट्स हैं उसके बिना कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ ये हम बनाएंगे पेन्ने पास्ता तो उसके लिए ये हमने ले लिया एक नॉनस्टिक पैन इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल और ये जब तक बाकी काम थोड़ा सा और करना है मुझे तो मैं एक काम करता हूँ टमाटर और टमाटर जो हैं ये मुझे चाहिए इस रेसिपी में टमाटर का क्या करना है अभी देखते हैं और ये आधा काट के अगर आपके पास में चेरी टोमेटोज़ हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में तो ये लीजिए ये ले लिया टमेटोज़ चलिए जब तक टमेटोज़ होते हैं तब तक और क्या करना है हमें देखिए नॉर्मली तो बेजल से बनाते हैं हम पेस्टो लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है पालक ले लिया है जिसे थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर ब्लांच किया है यानी पकाया है और इसको बस अब रफली ये देखिए चॉप कर लिया पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फिर इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर इसे ज़रा मिक्स करना है थोड़ा सा गार्लिक तो ये गार्लिक इसके अंदर और ये डालकर इसको पीस लेते हैं ये देखिए ये पिसना शुरू हो गया इसके अंदर मैं डाल रहा हूं रोस्टेड पीनट्स ये देखिए रोस्टेड पीनट्स नॉर्मली पाइन नट्स डालते हैं लेकिन भाई ये जो है अच्छा लगता है तो इसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये ले लिया और अब इसको एक बार फिर पेस्टो पेस्टो में बेजिल लीव्स डलती हैं फ्रेश बेजिल लीव पाइन नट्स डलते हैं पार्मेसान चीज़ डलता है अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये मुश्किल हो जाती हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ उसका इलाज निकाला जाए मतलब कि पेस्टो की कैरेक्टरिस्टिक्स हों लेकिन इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट जो आराम से हमें अपने यहाँ पर मिल सकते हैं अब स्वाद वैसा ही होगा नहीं थोड़ा सा बदल जाएगा खाने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता नई चीज़ ही बनेगी अब ये जो है टमाटर ये देखिए टमाटर तो हो गए तैयार तो टमाटर को ज़रा निकाल लेते हैं ये देखिए बढ़िया से इसको टमाटर को हमने पका लिया और अब जरा इसी पैन के अंदर ये हमारे पास पेन्ने पेन्ने पास्ता को आप पैकेट में से निकाल कर जैसे उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हो ना उसको फॉलो करें और बढ़िया क्वालिटी का पास्ता लें जो डुरुम वीट से बना हो हार्ड फ्लावर से बना हो और ये लेकर फिर इसको आपने पकाना है तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो पेस्टो है ये तैयार ये पेस्टो जिसमें हमने पालक लिया है और उसके साथ साथ ये हमारे पास में है रोस्टेड पीनट्स और गार्लिक चीज़ इसमें अभी नहीं डाला है हमने तो ये लेते हैं इसके अंदर इसमें सीजनिंग नमक इसे जरा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ये हो गया मिक्स अब देखिए ये पालक से पेस्टो बना था या बेजिल से अब बेजिल का फ्लेवर अलग होता है पालक का फ्लेवर अलग होता है लेकिन फॉर्चुनेटली हमें पालक का टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है और इसमें अब ड्राइड हर्ब्स डाल देते हैं ताकि इसमें बेजिल की पत्तियां भी हैं ओरेगनो भी है तो ये फ्लेवर इसके अंदर डाल दिया और फिर ये हम जरा डालते हैं इसमें क्रीम क्रीम के साथ साथ इसमें चीज़ नॉर्मल चीज़ अब देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें ना पार्मेसान चीज़ है ना बेजिल है ना पाइन नट्स है लेकिन फिर भी टेस्टी बहुत बनेगा ये तो ये टेस्टी बनाने के लिए इसमें क्रीम डाली थोड़ी सी चाहे तो मिल्क भी डाल सकते हैं आप इसको अगर तीखा करना है तो जब पीस रहे हैं ना तो थोड़ी सी उसके अंदर हरी मिर्च डाल दें नहीं तो पेपर भी बड़ा अच्छा लगता है इसमें तो चलिए पेपर की बात की है
तो पेपर डाल लेते हैं, ये लीजिए फ्रेशली ग्राउंड पेपर, फ्रेशली ग्राउंड पेपर आ गया, और आहा हा क्या खुशबू आ रही है पेपर की, वाह। और अब ये लीजिए चीज़ भी अच्छी तरह से मिक्स, ये सब सॉस भी इसके अंदर मिक्स, ये जो पेन्ने पास्ता है ये भी पक गया, बस अब इसको बंद कर देना है। और फिर ये जो टमाटर है ना, ये टमाटर लेने हैं हमें, और ये लीजिए टमाटर इसके अंदर, ये थोड़े से गार्निश के लिए, और ये देखिए टमाटर इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये अगर आप अलग से पहले टमाटर ऐसे नहीं करके रखेंगे ना, तो ये इसका कलर ऐसा नहीं आएगा, इसका जो टेक्सचर है टमाटर का वो भी ऐसा नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। चलिए ये हो गया, सर्व करने के लिए तैयार, स्पिनच के साथ में, स्पिनच पेस्टो के साथ ये आप सर्व करेंगे ना, तो बिल्कुल इटालियन स्टाइल में ही सर्व करें। और इटालियन स्टाइल क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ये हो गया। अच्छा यही होता है इटालियन स्टाइल, जिसमें ऑलिव ऑयल जो है ऊपर से और डाला जाता है, तो ये लीजिए ऑलिव ऑयल। अब बॉटल में से डालना है या इसमें से डालना है, बस लीजिए तैयार हो गया पेने विद स्पिनच पेस्टो।